अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं इस बात के पुरपुज़ा और तारीखी मरगुजार वाइट पैलेस में मौजूद हूँ। वाइट पैलेस के बारे में मैंने आपको बताना है, मेरे साथ रहे। हमारे साथ फखरी आजम मौजूद है, फखरी आजम चतराल से आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वाइट पैलेस उन्होंने देखा, आपको कैसा लगा वाइट पैलेस? बहुत ही एक पुरफा मकाम है, बहुत ही अच्छे और बिल्कुल इसका मौसम बिल्कुल बेहतरीन मौसम है और सयाहों को चाहिए कि यहाँ पर आए और कुदरती माहौल से वो लुत्फ़अंदोज़ हो। आपको मतलब वाइट पैलेस कैसा लगा? इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो आबादी है, इस हवाले से बताएं। बिल्कुल एक पुरानी बादशाहों की जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है और पीछे जैसे नज़र आ रहा है वाइट पैलेस, नाम ही उसका वाइट है, तो इसमें आप कहने की क्या ज़रूरत है। नेचर है, ब्यूटी है और यहाँ पर लोगों को आना चाहिए। लोगों को हम चतराल से है लेकिन दावत देते हैं कि वो यहाँ पर भी आए और चतराल भी आए। बिल्कुल ठीक, जैसा कि ये वाइट पैलेस जो है ना, सफ़ेद महल इसको कहते हैं, आप देख सकते हैं 1941 में इसकी तामीरात जो है ना वो कंप्लीट हो गई थी और अब ये वालिस्वाद के मतलब यहाँ की जो इसके पोते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है और यहाँ मतलब होटल भी बना हुआ है, सयाह भी आते हैं और वो यहाँ के खूबसूरत नज़ारों और तारीख से भी लुत्फ़अंदोज़ होता है। मेरे साथ रहे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सयाह मौजूद है, वो वाइट पैलेस और स्वात आए हुए हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। नाम क्या है आपका? जुनैद। आपका? मोहम्मद उमर। आपका? अच्छा, आप बताइए आपको वाइट पैलेस कैसा लगा और ये बताइए कि मौसम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पैलेस काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह से और मौसम भी यहाँ का ठंडा है कराची के हिसाब से, तो बहुत अच्छा है। आप बताइए मोहम्मद उमर साहब। मेरा भी यही कहना है कि वाइट पैलेस में आकर मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह कदीम पुराने ज़माने की इमारत है, महल बना हुआ है और उसके हिसाब से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और कराची के हिसाब से मौसम इधर बहुत खुशगवार है। बिल्कुल ठीक, आप वैसे बताएं। यहाँ के अच्छा लगा और यहाँ का मौसम भी अच्छा है और ये वाइट पैलेस बहुत अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, सयाहों की बातें अपनी जानी। मेरा ख्याल है कि इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद है। आज बिल्कुल, आप सफ़ेद महल को वैसे सफ़ेद महल नहीं कहा जाता, यहाँ सफ़ेद मार्बल इस्तेमाल हुए हैं और वो मार्बल है
ताजमहल जो इंडिया में ताजमहल है मशहूर, उसमें और इसमें सेम मार्बल है। उस वक्त के जो बादशाह थे यहाँ हमारे, उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट करके यहाँ पर ले आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही मार्बल है, मतलब इसकी जो कुर्सियाँ, उसकी जो बेंच आप देख सकते हैं इतनी बारीकी से, अगर आप देखें इसमें जो पुल बना है, इसमें जो दस्तकारी की है, कुंदकारी की है, इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने मतलब हाथों से निकला होगा और कितने इन्होंने महारत के साथ ये बनाया है। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। और इसके अलावा ये टेबल भी आप देख सकते हैं, हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, वो चाय पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा पुरसकून है, बहुत ही ज़्यादा मतलब खामोश है। अगर आप यहाँ पर नज़र दौड़ाए तो हर तरफ मतलब खामोशी है, और इसके बाद जो है ना फिर हरियाली है। ये बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है। इस तरफ अगर आप आगे जाए तो बुनेर, और इस तरफ फिर मतलब स्वात बहुत ही ज़्यादा करीब है, बुनेर के साथ ये लगा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पर आना है तो बिल्कुल हर टाइम यहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है, और अभी मतलब चूँकि मौसम ख़ज़ा का अमद है, लेकिन यहाँ फिर भी ग्रीनरी मौजूद है और सैयाह यहाँ काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, और वो यहाँ इस तारीखी सफ़ेद महल से और खूबसूरती दोनों सूरत मंदोज हो रहे हैं। मेरे साथ रहे। हमारे साथ वजीर आला के मुआवनी खुसूसी बराए अक़लियत वजीर ज़ादा हमारे साथ मौजूद है। वजीर ज़ादा से जानेंगे कि इनका जो दौरा स्वात है वो कैसा है, और वाइट पैलेस पहुँचे हैं, वाइट पैलेस में वो क्या करने आए हैं, क्या देखने आए हैं, और क्या उन्होंने देखा। जी शुक्रिया। आज मैं स्वात आया था। बेसिकली मेरे स्वात आने के दो मकासद थे। एक तो माइनॉरिटीज़ के कुछ इशूज़ थे, वो कमिश्नर साहब से मेरी मीटिंग हुई उस हवाले से, और दूसरा जो है चित्राल कैलाश वैली रोड के हवाले से कमिश्नर साहब का और मेरे मीटिंग था, इस में इसकी आगे जो लायामल है उसके हवाले से, और बड़े अच्छे मीटिंग हुए। इंशाल्लाह कैलाश के रोड भी बनेंगे, और मलाकंड में खासकर स्वात में माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, इनकी ग्रेवयार्ड के इशू है, इनकी कुछ कम्युनिटी हाल के इशू है, सिख कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ग्रेवयार्ड के, ये भी हल होंगे। और इसके बाद यहाँ हम मरगुजार आए हैं। एक तो यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक तारीखी जगह है, ये नवाब सवात के जो नवाब हैं उनकी जो घर कहें या महल कहें उनमें से एक है ये। तो एक तो इस बात पे खुशी हुई कि इस बिल्डिंग को जो है अभी तक ये अपने असली हालत में जैसे बनाए थे उन्होंने उसी तरह है, और बहुत अच्छा लगा। इंतहाई पुरसकून और पुरफिज़ा माहौल है यहाँ पर, ग्रीनरी है और पहाड़ और दरख्त हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह के सेहती इलाके जो हमारे मुल्क में और ख़ासकर मलाकंड डिवीज़न में, चित्राल और स्वात में बहुत ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो इसी तरह टूरिस्ट यहाँ के अपने आप को कुछ लम्हों के लिए वो अपने आप को सुकून दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। वजीर ज़ादा का ताल्लुक कैलाश बरादरी से है, और कैलाश बरादरी का ये पहला MPA है और पहला मुआवनी खुसूसी है कि कैलाश बरादरी से इनका ताल्लुक है, और खैबर पख्तूनख्वा का ये अहम जो अक़लियती बरादरी है इनके लिए एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आज इस वक्त हमारे साथ सुलेमान मौजूद है। सुलेमान वाइट पैलेस की शान है, वाइट पैलेस की पहचान है, क्योंकि जब से वाइट पैलेस होटल में कन्वर्ट हुआ और उनको होटल बना दिया गया तो इस वक्त से लेकर अब तक सुलेमान इस होटल में है। सुलेमान से थोड़ा सा जानेंगे इसकी तारीख के हवाले से, क्योंकि मुझे भी तारीख याद है लेकिन मुझसे ज़्यादा इनको ज़्यादा मालूम है, क्योंकि ये 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहता है। सुलेमान थोड़ा सा हमें बताएं क्या कहेंगे इसके हवाले से, ताकि जो लोग आपको कराची में देख रहे हैं, लाहौर में देख रहे हैं, उनके लिए। असल में ये बादशाह साहब का समर पैलेस था। अच्छा। मियाँ अब्दुल साहब का, ये 1941 में बना हुआ है। ये मार्बल जो इस्तेमाल हुआ है ये
ताजमहल में जो मार्बल इसमें ये वही मार्बल है। ठीक है, ये उनका बादशाह साहब का समर पैलेस था। ठीक, इसका कुछ इस ऊपर भी ये सामने फ्रंट ये मेन बिल्डिंग तो यही नज़र आ रहा है। इसमें ये कि मलका बरतानिया आई थी 61 में, लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो भी आए थे, कैद आज़म भी आए थे, और ये जनरल अयूब खान साहब भी आए थे, जनरल ज़ियाउल हक़ साहब भी आए थे। तो यहाँ पे कई अहम शख्सियात यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। इमरान खान भी यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, तो बाकी ये है कि आप से पूरे पंजाब से पूरे पाकिस्तान से लोग विजिट करने के लिए भी आए थे, स्टे के लिए भी आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट वगैरह करने के खाने वगैरह के लिए आते हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कमरे दस्तियाब है? यहाँ पे रेस्टोरेंट का सहूलत मौजूद है, कमरों का, रिहाइश का, सब जो होटल में जो सहूलत सब जाते हैं। कितने कमरे हैं आप लोग यहाँ पे? 24 कमरे हैं हमारे पास। अच्छा, तो रेट तो नहीं बताएंगे मेरा? मैंने ये कई दफा मैंने नोट किया कि जब आप होटल के मैनेजर से रेट पूछोगे ना तो वो रेट नहीं बताएगा, जब आप किसी से तनख्वाह पूछोगे आप तनख्वाह कितना है तो वो नहीं बताएंगे, इस तरह कैमरे का रेट भी नहीं बताएंगे। जब आप आएंगे तो आपके साथ जरूर रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये इसकी जो मार्बल है, इसकी जो बनावट है, ये सब उसी वक्त की? ये उस वक्त 1941 का बना हुआ है, ये उस वक्त बादशाह साहब का समर पैलेस था। अच्छा, ये गर्मी में या 3 महीने यहाँ पे रहता था। अच्छा, ये जो मार्बल है जी, ये इंडिया से लेकर मंगवाया गया था इस 1941 में। अच्छा, जो ताजमहल में इस्तेमाल हुआ है आगरा में, ये वही मार्बल है। ठीक ठीक ठीक, और कोई अहम बात इसके हवाले से हो? असल में यहाँ पे ये कि गर्मियों का अलग मौसम होता है, लोग गेस्ट जो बाहर जाते हैं, सर्दियों में बर्फबारी हो जाता है तो फिर भी लोग आ जाते हैं विजिट के लिए, तो सर्दियों का अलग ये है कि इंजॉय करते हैं, गर्मियों का अलग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं कि ये मिंगवारा शहर से तकरीबन 14-15 किलोमीटर के फासिले पर सतह समंदर से 3,500 या 4,000 फीट की बुलंदी पर है। गर्मियों में यहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार होता है, मतलब अगर शहर में गर्मी है तो यहाँ पर मौसम मतलब बिल्कुल नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ पर फन के, यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स आपने देखे, यहाँ की जो मार्बल आपने देखे, ये सब उसी वक्त के हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये एक तारीखी महल है, हमारा मतलब विरसा है स्वात के लोगों का, और वाली स्वात की फैमिली का मतलब ये विरसा है इनका। तो मतलब ये थोड़ा सा बिल्कुल सही हालत में है और ठीक ठाक है, और ये है कि अब मतलब आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ रात भी गुजार सकते हैं। अगर आपने यहाँ थोड़ी देर के लिए आना है मिंगवारा शहर से, बहुत ही कम फासिले पर है और रोड भी बेहतरीन है। तो मेरे कोशिश थी कि आपको थोड़ा सा ये वाइट पैलेस के बारे में बता सकूं। मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी और तारीखी जगह पर या खूबसूरत जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।